अस्सलामुअलैकुम। रेसमस मंडल स्कॉलरशिप एमएस स्कॉलरशिप सीरीज़ के सिलसिले में आज हम बात करेंगे केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री के लिए जो एमएस प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं। इसमें बायोकेमिस्ट्री को मैंने इसलिए ऐड किया है कि ये जो केमिकल इंजीनियरिंग के जो मेन प्रोग्राम्स हैं उनमें कुछ थीम जो है वो बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग या आप ये समझें कि बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टाइप है, जिसमें बायोकेमिस्ट्री के लोग जो हैं वो भी एलिजिबल हैं, इसलिए मैंने उनको भी यहीं पर पूल अप कर दिया है। हालांकि केमिकल इंजीनियरिंग और बायोकेमिस्ट्री के अलग से भी कुछ ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस सिलसिले में जो सबसे पहली मेरी एडवाइस है केमिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि अब काफ़ी अरसे से बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री दे रहे हैं, तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो उस हवाले से अवेलेबल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे जो केमिकल इंजीनियर्स हैं उन्हें चाहिए कि वो एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप प्रोग्राम और बाकी भी जो एमएस पीएचडी के प्रोग्राम्स हैं उनमें अप्लाई करें। लेकिन एरास्मस मंडल जो है वो एक खास प्रोग्राम है जो कि ब्रिलियंट और अच्छे स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। तो इससे पहले कि आप बाकी वीडियो देखें, तो मेरी सजेशन आपसे ये है कि मैंने कुछ 3 वीडियोज एरास्मस मंडल और स्कॉलरशिप्स के बारे में पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किए हैं। उसमें से एक पहली जो वीडियो है वो ये है कि हमारे ब्रिलियंट स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलरशिप हासिल करने में क्यों नाकाम रहते हैं, तो उसको देख लीजिए। साथ में ये है कि आप अपने टैलेंट को टैलेंट पासपोर्ट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, इससे भी आपको कुछ फ़ायदा होगा, स्पेशली वो लोग जो यूरोप की इमिग्रेशन चाहते हैं एंड दे डोंट हैव मनी बट दे हैव द टैलेंट, सो दे कैन यूज़ देयर टैलेंट एज अ टैलेंट पासपोर्ट फॉर दिस प्रोग्राम। और फाइनली जो है वो है कि एरास्मस मंडल प्रोग्राम है क्या, इसमें फिनंशियल्स कंडीशंस क्या हैं, किस किस्म के स्टूडेंट्स को एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप मिलता है और इसको कैसे हम इसके लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं। तो मेरी सजेशन ये है कि आप ये 3 वीडियोस जो हैं वो उनको ज़रूर देखिएगा इस वीडियो को देखने से पहले या इसको देखने के बाद। तो केमिकल इंजीनियरिंग के लिए जो एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप्स अवेलेबल हैं उनमें जो मोस्ट रेलिवेंट स्कॉलरशिप्स हैं मेरी नज़र में, उनमें सबसे पहले है केमिकल नैनो इंजीनियरिंग, दूसरे नंबर पे है बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर अ सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी, और तीसरे नंबर पे है द बायो रिफाइनरी मास्टर प्रोग्राम। तो जैसे कि इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी मैंने बताया था कि एक स्टूडेंट जो एरास्मस मंडल प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करना चाहता है तो एक साल में वो 3 मास्टर प्रोग्राम्स के लिए मैक्सिमम अप्लाई कर सकता है। तो मेरी नज़र में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए ये सबसे ज़्यादा बेस्ट सूटेबल या रेलिवेंट प्रोग्राम्स हैं। लेकिन इसके अलावा जो है उनमें एक क्वालिटी इन एनालिटिकल लैब्स का प्रोग्राम है एमकॉल, मैं बीइंग केमिकल इंजीनियर मैंने भी यही प्रोग्राम किया था, तो इसलिए बाकी केमिकल इंजीनियर्स हैं दे आर आल्सो एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम, स्पेशली ऐसे केमिकल इंजीनियर्स जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट्स में या क्वालिटी कंट्रोल लैब्स में काम करें उनके लिए ये प्रोग्राम बहुत अच्छा हो सकता है। साथ में केमिस्ट्री के जो प्रोग्राम्स हैं उनको आपको देखना चाहिए, उनमें से भी कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जिनमें केमिकल इंजीनियर्स दे आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो केमिस्ट्री के एरास्मस मंडल स्कॉलरशिप के लिए मैंने एक वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप उसको भी सर्च कर सकते हैं, उसको भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ फूड इनोवेशन एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन का प्रोग्राम है, इसमें भी केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वीडियो जो है वो फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है। इसके अलावा अभी जो अपकमिंग वीडियोज़ हैं उनमें 2 ऐसे फील्ड्स हैं मैं समझता हूँ जिसमें केमिकल इंजीनियर्स अप्लाई कर सकेंगे, उसमें कुछ इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के प्रोग्राम्स हैं, क्योंकि इन्वायरमेंटल साइंस का एक कंपोनेंट केमिकल इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता भी है, तो वो वीडियो भी मैंने अपलोड नहीं की, तो उसको भी आप बाद में देख सकते हैं। और साथ में मटेरियल इंजीनियरिंग या नैनो टेक्नोलॉजी जैसे फील्ड जो हैं वो भी ऐसे फील्ड्स हैं जिनके अंदर केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में हम अपने आप को मोस्ट रेलिवेंट प्रोग्राम्स तक रिस्ट्रिक्ट रखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला प्रोग्राम है वो है केमिकल नैनो इंजीनियरिंग। केमिकल इंजीनियरिंग के साथ जो एक चीज़ और वाबस्ता है, स्पेशली ऐसे लोग जो एमएस या पीएचडी करने के बाद फैकल्टी का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा ये ख्याल रखना पड़ेगा कि उनकी मास्टर और पीएचडी की जो डिग्री है उसका नाम जो है दैट शुड बी अलाइंड विद देयर बेसिक क्वालिफिकेशन लाइक बीएससी केमिकल इंजीनियरिंग। तो इस सिलसिले में ये सबसे ज़्यादा सूटेबल डिग्री है क्योंकि इसके टाइटल के अंदर ही केमिकल नैनो इंजीनियरिंग अवेलेबल है। इस प्रोग्राम की वेबसाइट जो है वो आप ढूंढ सकते हैं। उसके बाद इसका जो कंसोर्शियम है उसमें फ्रांस, इटली और पोलैंड की 3 यूनिवर्सिटीज जो हैं वो शामिल हैं, ये कंसोर्शियम का मेन पार्ट है। लेकिन इसके अलावा जो एसोसिएटेड पार्टनर्स हैं वो भी आप वेबसाइट पे जाके उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं और वहाँ पे आप पढ़ने के लिए जा भी सकते हैं।
जो फाइनल डिग्री है वेबसाइट पे मुझे कोई बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली, तो मेरे ख्याल में जो इस प्रोग्राम की फाइनल डिग्री होगी वो जॉइंट डिप्लोमा इन केमिकल नैनो इंजीनियरिंग होगा, लाइक जॉइंट मास्टर इन केमिकल नैनो इंजीनियरिंग। अब इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसमें आपके पास बैचलर होना चाहिए इन केमिकल इंजीनियरिंग, केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी। ऑल्दो कि मैं वेबसाइट को सर्च करता रहा हूँ, मुझे इसके क्राइटेरिया के बारे में कोई वाज़े इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन प्रोग्राम का जो स्कोप है उसको देखने के बाद ये अंदाजा है कि केमिकल इंजीनियर्स, केमिस्ट और नैनो टेक्नोलॉजिस्ट जो है वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। एक और मैं सजेशन आपको देना चाहूँगा कि प्रोग्राम की वेबसाइट पर जाइए और वहाँ जाके इस प्रोग्राम का स्ट्रक्चर देखिए। जो चीज़ मेरे लिए थोड़ी सी डिफरेंट थी वो ये थी कि इसके लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बैकग्राउंड चाहिए, जिसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी है, इनऑर्गेनिक या मटेरियल केमिस्ट्री भी है, फिर उन्हीं केमिस्ट्री की जो आप समझ लें मटेरियल इंजीनियरिंग की साइड के कुछ सब्जेक्ट्स हैं वो भी चाहिए, आपको सिमुलेशन के ऊपर भी आपको कुछ कमांड होनी चाहिए और सिंथेसिस के ऊपर भी आपको कुछ कमांड होने चाहिए। तो जो केमिकल इंजीनियर्स इस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो इसके कोर्स स्ट्रक्चर को समझ लें और उसके बाद अपनी जो कैपेबिलिटीज और स्किल्स हैं उनको उस हवाले से जो है वो बढ़ा लें। जो करिकुलम केमिकल इंजीनियरिंग का हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है वो बड़ा सेट आता है, मतलब फिक्स होता है, उसमें इतना चांस नहीं होता। तो इस सिलसिले में मेरी सजेशन स्पेशली केमिकल इंजीनियर्स के लिए ये होगी कि वो जो EDX टाइप या कोर्सेरा टाइप वेबसाइट्स हैं वहाँ से कुछ ऐसे कोर्सेज ज़रूर करें जो कि मटेरियल इंजीनियरिंग या केमिकल नैनो मटेरियल या इस किस्म के होंगे, उससे उनकी प्रोफाइल जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगी। केमिकल इंजीनियरिंग में बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे आते हैं जो माशाल्लाह बहुत अच्छा GPA मेंटेन करते हैं, उस हवाले से तो शायद आपको परेशानी ना हो, लेकिन कोर्स स्ट्रक्चर के हवाले से जो है वो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़रूर आएगा। तो उसमें मेरी सजेशन ये है कि आप पहले से ही ऐसे कुछ कोर्सेज ऑनलाइन कर लें ताकि आप वो जो डेफिशिएंसी है उसको फुलफिल कर सकें। इसी तरह केमिस्ट्री और नैनो टेक्नोलॉजी की जो लोग हैं वो बेसिक सिंथेसिस और उसकी करेक्टराइजेशन में तो स्ट्रांग होंगे, लेकिन उन्हें मैथमेटिक्स और सिमुलेशन का पार्ट उनका वीक होगा। तो ऐसे केमिस्ट्स और नैनो टेक्नोलॉजिस्ट्स जो जिनका सिमुलेशन का पार्ट वीक है तो उन्हें चाहिए कि वो सिमुलेशन एरिया में अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग करें। इसमें जो दो क्राइटेरियाज दिए गए हैं ओपनली वो ये हैं कि आपका GPA जो है वो 75% से ऊपर होना चाहिए। तो अब आप परसेंटेज में इसे कन्वर्ट कर लें कि 75% से ज़्यादा हो, या जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं तो यू नीड टू बी इन द टॉप 25% स्टूडेंट्स। तो इसमें मेरी सजेशन हमेशा से ये रही है कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि जो भी स्टूडेंट्स इंटरनेशनल स्कॉलरशिप्स गेन करना चाहते हैं उन्हें अपना GPA 3.5 प्लस मेंटेन करना चाहिए, प्लस माइनस कुछ हद तक काबिल कबूल है, लेकिन 3.5 आर प्लस इज द बेस्ट वन। इसके अलावा आपको एक इंग्लिश का सर्टिफिकेट देना है, जो कि इस प्रोग्राम के केस में आप अपनी यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट ही दे सकते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर अंडर ग्रेड एजुकेशन जो है वो इंग्लिश मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में है, तो आई थिंक दैट विल वर्क वेल। फाइनल चीज़ जो उन्होंने आपसे एक और मांगी है वो है एसे ऑन नैनो इंजीनियरिंग। अब जो हमारे अंडर ग्रेड के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो केमिस्ट हैं या नैनो टेक्नोलॉजिस्ट हैं या केमिकल इंजीनियर्स हैं, मेरा ख्याल है कि ये ऐसी चीज़ है जो उन्होंने कभी नहीं सोची। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप नैनो इंजीनियरिंग को सर्च करें और उसमें सबसे पहले आप इसी प्रोग्राम की वेबसाइट को एक्सप्लोर करें, उसका जो बैकग्राउंड है, इंट्रोडक्शन है, उसमें बहुत अच्छी एग्जाम्पल्स दी गई हैं, तो उन्हीं कीवर्ड्स को समझ के उसके इर्द गिर्द आपको एक अच्छा एसे जो है वो लिखना चाहिए कि व्हाट इज़ नैनो इंजीनियरिंग, स्पेशली इसका फ्यूचर क्या है। क्योंकि आप सब समझते हैं कि नैनो इंजीनियरिंग है जो अभी इमर्जिंग फील्ड है, अभी तो ये सिर्फ सरफेस पे आया है, इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस की तरफ अब आगे काम होगा। तो इस हवाले से आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द फील्ड, व्हाट इट इज़ करंट स्टेटस एंड व्हाट विल बी इट्स फ्यूचर। तो अगर आप इन चीज़ों को कंप्रीहेंसिवली डिस्कस करेंगे तो आई थिंक दैट यू विल हैव अ वेरी गुड एसे फॉर दिस प्रोग्राम। तो इसके बाद जो दूसरे नंबर पे हमारे पास प्रोग्राम अवेलेबल है वो है बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमी। अगर आप इसके नाम पे गौर करें तो आपको समझ आएगी कि ये बायोलॉजी और केमिकल इंजीनियरिंग का मिक्स है। हम इसे दूसरे अल्फाज में कह सकते हैं कि इट इज़ लाइक बायोकेमिकल इंजीनियरिंग। इसकी स्ट्रक्चर में भी आपको काफ़ी कुछ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से मिलता जुलता मिलेगा। इस प्रोग्राम की जो यूनिवर्सिटीज़ का कंसोर्शियम है उसमें फ्रांस, बेल्जियम, फिनलैंड और एस्टोनिया की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो शामिल हैं। अगेन
इसकी जो फाइनल डिग्री है उसमें आपको दो डिग्रीज जो है वो डबल डिग्रीज मिलेंगी। एक जो डिग्री है वो ओवरऑल प्रोग्राम के बेसिस पे मिलेगी, जो होगा यूरोपियन मास्टर इन बायोलॉजिकल एंड केमिकल इंजीनियरिंग फॉर सस्टेनेबल बायो इकोनॉमी। तो इसके टाइटल की हद तक केमिकल इंजीनियर्स दे शुड बी सेटिस्फाइड के लिए वो इस डिग्री को पाकिस्तान में यूज कर सकते हैं। पाकिस्तान से बाहर ज्यादातर ममालिक में कंट्रीज में ऐसा इश्यूज नहीं है, पाकिस्तान में इश्यूज हैं। लेकिन इस फाइनल डिग्री, एक तो जनरल डिग्री होगी जो मैंने आपको बता दी जो कि प्रोग्राम का टाइटल है, लेकिन जिस यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपना थीसिस करेंगे, दैट मींस जहां पे आप फाइनल स्पेशलाइजेशन करेंगे, वो यूनिवर्सिटी भी आपको एक एडिशनल मास्टर डिग्री देगी। उसमें ये है कि फिनलैंड की यूनिवर्सिटी आपको मास्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी की डिग्री देगी, टालटेक जो है वो आपको मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री देगी, उसके अलावा बीएस से आपको मास्टर इन बायोलॉजी एग्रो साइंसेस की डिग्री मिलेगी, और आपको यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस से आपको मास्टर इन इंटीग्रेटिव बायोलॉजी एंड फिजियोलॉजी की डिग्री मिलेगी। तो जो केमिकल इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो पहले दो ऑप्शन ही जो है वो सूटेबल हैं कि मास्टर ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी या मास्टर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग। लेकिन जो बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं या एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, दे कैन ऑप्ट फॉर द रेस्ट ऑफ द टू ऑप्शंस। तो बीइंग केमिकल इंजीनियर्स आपको पता होना चाहिए कि आपने किस किस्म की चॉइसेस बनानी है। इस केस में यहाँ पे एक टाइपो एरर है कि ये केमिकल नैनो इंजीनियरिंग है, लेकिन ये प्रोग्राम बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग का ही चल रहा है। तो इसमें जो बैचलर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोफिजिक्स, बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, ये वो सब्जेक्ट्स हैं विच आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस बायोसेप। तो इसमें बायोप्रोसेस इंजीनियरिंग को बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की इक्विवेलेंट काउंट करेंगे, और मेरे ख्याल में ये केमिकल इंजीनियरिंग के इक्विवेलेंट ही जो है वो काउंट होगा। तो बीइंग केमिकल इंजीनियर यू आर एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। एट द सेम टाइम बायोटेक्नोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री के स्टूडेंट्स जो हैं वो नेचुरली बायोलॉजिकल कंपोनेंट की वजह से दे आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम। इसका जो सिलेक्शन क्राइटेरिया उन्होंने डिफाइन किया है इज बिट डिफरेंट देन द प्रीवियस प्रोग्राम, और वो ये है कि आपके दो स्टेप्स में वो लेके चलेंगे। फर्स्ट स्टेप में वो आपको चार क्राइटेरियाज के ऊपर एवेल्युएट करेंगे, उसमें सबसे पहला है एक्सीलेंस का, और एक्सीलेंस में उन्होंने जो चीज़ें ऐड की हैं कि आपने कौन से कोर्सेज पढ़े हैं इन योर अंडरग्रेड, आपका जीपीए क्या है और आपकी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग क्या है। तो पाकिस्तान में ऐसे स्टूडेंट जो यूईटी या पीयू से या नस्ट से ग्रेजुएट कर रहे हैं तो उनको या जीकी से, उनको तो रैंकिंग का ऐसा सच कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद जो दूसरा है वो है बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंस, और इसमें ये है कि आप के जो प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है वो क्या है। लाइक ये बायोलॉजी का प्रोग्राम है तो केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो अब कुछ प्रोग्राम्स में तो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उसकी भी एक प्रेफरेंस इसी फील्ड के अंदर मौजूद है। तो उसमें मेरी सजेशन ये होगी कि अगर आप अभी स्टूडेंट हैं तो आप ऐसी इंडस्ट्रीज में काम करें जो बायोलॉजिकल ओरिजिन की हैं, जैसे फूड इंडस्ट्रीज हैं या एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं, या अगर आपके पास इंडस्ट्री का ऑप्शन जो है वो लिमिटेड है तो देन आई वुड सजेस्ट कि आप बायोकेमिस्ट्री या बायोटेक्नोलॉजी या केमिकल इंजीनियरिंग में ऐसे प्रोफेसर्स जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एरिया में काम कर रहे हैं उनके साथ काम कीजिए। लाइक उनकी लैब में कुछ रिसर्च असाइनमेंट कीजिए, रिसर्च इंटर्नशिप्स कर लीजिए। उसका फ़ायदा यह है कि आप उनसे एक सर्टिफिकेट ले सकते हैं कि जी हमने बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में काम किया है। उसमें आप समझें माइक्रोएल्जी का काम कॉन्सेप्ट लाहौर में हो रहा है, बायोमास इंजीनियरिंग का काम वहाँ हो रहा है, पीयू में भी ऐसा काम हो रहा है, यूईटी में भी कुछ बायोकेमिकल इंजीनियरिंग पे काम हो रहा है, नस्ट वाले ये काम करते हैं। तो इस किस्म का जो भी काम है जो बायोकेमिकल ओरिजिन का है तो वो आपको हेल्प आउट कर सकता है टू फुलफिल द गैप्स। तो उसमें मेरी सजेशन ये होगी कि आप अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस को उसके साथ अटैच करें। इन एडिशन वो कहते हैं कि आपने कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं। अभी रिसेंटली मेम्ब्रेन सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो मेम्ब्रेन में बायो मेम्ब्रेन्स भी होती हैं, वो बेसिकली वही बायोकेमिकल टाइप चीज़ बन जाती है। बायो मेम्ब्रेन्स या बायोलॉजिकल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट टाइप चीज़ें भी चल रही हैं। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बेसिकली केमिकल इंजीनियर्स को वो बेसिकली अटैच करेंगी टू बायोकेमिकल इंजीनियर्स। जहाँ तक बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी के लोगों का ताल्लुक है तो उनको थोड़ा सा एडवांटेज ये है कि उनके प्रोग्राम की स्ट्रक्चर ही बायोलॉजी है। लेकिन मैं उन्हें ये थोड़ा सा यहाँ एम्फसाइज करना चाहूँगा कि वो बायोटेक्नोलॉजी के हैं या बायोकेमिस्ट्री हैं तो थोड़ा सा इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री
या इवन उनमें भी कुछ ऐसे, पंजाब यूनिवर्सिटी में मुझे याद है कि वहाँ पे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का भी एक सब्जेक्ट है, तो ऐसा कोई सब्जेक्ट कर ले लें अपने जो उनके करिकुलम में या उनकी ट्रांसक्रिप्ट में शो हो रहा हो, या EDX पे या कोर्सेरा पे ऐसे कोर्सेज जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग से या इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री या इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जैसे हैं, तो वो वहाँ से ले लें, अटेंड करें और उनका सर्टिफिकेट ले लें, वो चीज़ें जो हैं वो यहाँ पे शो कर सकते हैं टू स्ट्रेंथन देयर प्रोफाइल। उसके बाद मोटिवेशन है कि आप बायोसैप प्रोग्राम में क्यों आना चाहते हैं, तो ये प्रिंसिपल क्वेश्चन होता है। अब अमूमी तौर पे पाकिस्तान में जो केमिकल इंजीनियर्स हैं दे आर लाइक बिट हेजिटेंट टू वर्क विद बायोकेमिकल टाइप ऑफ थिंग्स, माइक्रोएल्गी हो गया, बायोमास इंजीनियरिंग हो गया, इस किस्म की चीज़ों से थोड़ा सा हेजिटेंट है, हमारा कल्चर भी नहीं है। तो अब आपको यहाँ ये प्रूव करना है कि व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन बायोलॉजिकल इंजीनियरिंग। मेरी नज़र में तो फ्यूचर सारा बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में है उसके अलावा, लेकिन यहाँ आप जो भी क्लेम कर रहे हैं वो क्लेम आपने प्रूव भी करना है। फॉर एग्जांपल जैसे बायोकेमिकल इंजीनियरिंग की बात है तो मैंने आपको सजेशन दी है कि आप किसी भी ऐसे प्रोफेसर के साथ काम करें जो बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में काम करता है, तो उसकी रिसर्च से रिसर्च इंटर्नशिप का सर्टिफिकेट ले लें, उसको आप शो कर सकते हैं कि मेरा इंटरेस्ट शुरू से बायोकेमिकल इंजीनियरिंग में था, इसी वजह से मैंने ऐसी लैब में इंटर्नशिप की है। इसी तरह से बायोकेमिस्ट्री के लोग जो हैं वो भी बायोकेमिकल इंजीनियरिंग चीज़ें कर सकते हैं। मैंने पहले कहा कि उनके पास बैकग्राउंड नॉलेज है सारा बायोलॉजिकल थिंग्स का, बायोलॉजिकल इश्यूज का, लेकिन उन्हें भी थोड़ा सा इंजीनियरिंग टच शो करना है, तो इस सिलसिले में उन्हें भी अपने आप को थोड़ा सा आगे ग्रूम करना है। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर प्लान से मुराद ये है कि वंस यू ग्रेजुएट फ्रॉम बायोसेप तो आप इस डिग्री को कैसे यूज करेंगे। यूरोप के अंदर और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का स्कोप बहुत आगे जा रहा है। इवन कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो ड्रग डिलीवरी, बायोफार्मास्यूटिकल डिजाइन, रेटिना और ये DNA मेटाबॉलिक इंजीनियरिंग तक चले गए हैं, तो वहाँ पर बहुत स्कोप है। उस रिसर्च का इम्पैक्ट और इम्पैक्ट फैक्टर दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, उसके अंदर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, तो आप उस तरह से भी इसे देख सकते हैं। पर्सनल एटीट्यूड की बात कीजिए, टीम स्पिरिट आपके अंदर कैसा है, वेदर यू आर विलिंग टू वर्क इन टीम, क्योंकि जो एरास्मस का स्टाइल है वो ये है कि वो पूरी दुनिया से लोगों को लेते हैं। वहाँ पे आपके यूरोपियन क्लास फेलोज भी होंगे, एशियन भी होंगे, अफ्रीकन्स भी होंगे, तो वहाँ पे इस मिक्स में आप जो है वो कैसे चल पाएंगे, तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी जो है वो इसके अंदर अकोमोडेट करनी है। दूसरे लेवल में सेकंड स्टेप में जो कैंडिडेट्स फर्स्ट स्टेप से स्क्रीन आउट होंगे उनको वो सेकंड स्टेप में लेके जाएंगे और वहाँ पे वो उनका इंटरव्यू लेंगे, दैट इज 25%। तो उस इन तीन क्राइटेरियाज को मिला के वो बेस्ट कैंडिडेट्स को स्क्रीन आउट करेंगे जिन्हें वो स्कॉलरशिप देंगे। और मैंने पहले भी इंट्रोडक्टरी वीडियो में भी बात की थी कि एरास्मस मंडस 50,000 यूरो का प्रोग्राम है, 1 करोड़ के करीब जो है वो आपके सामने तकरीबन अमाउंट बनती है, इज अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट, और फिर आप दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटीज में भी पढ़ते हैं, तो यू नीड टू बी बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट। लैंग्वेज के केस में दे आर बिट टाइट, आपको IELTS या TOEFL जो है वो स्कोर उनको देना होगा। लास्ट जो है वो बायो रिफाइनिंग मास्टर प्रोग्राम है, इसकी भी इसमें भी देखिए कि इसमें भी बायोलॉजिकल या बायोकेमिकल इंजीनियरिंग टाइप का टच है, तो उस हिसाब से आपको इसमें भी वो सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी जो आपके पास होनी चाहिए। बेसिकली अगेन बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी और केमिकल इंजीनियर्स दे विल बी इक्वली एलिजिबल। अब उन दोनों को कंप्रोमाइज़ करना है, बायोलॉजी के लोगों को इंजीनियरिंग का कुछ टच होना चाहिए और इंजीनियरिंग के लोगों के पास बायोलॉजी का कोई टच होना चाहिए, तो देन दे विल बी इक्वली एलिजिबल फॉर दिस प्रोग्राम। कंसोर्शियम में फ्रांस, पोलैंड, इटली और इटली की यूनिवर्सिटीज मेनली शामिल हैं। प्रोग्राम की वेबसाइट दी हुई है, आप फर्दर इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हैं। जहाँ तक फाइनल डिग्री का सवाल है तो एक डिग्री तो आपको इसमें वही मिलेगी बायो रिफाइनरी इंजीनियरिंग की, बाकी डिग्रीज जो हैं वो आपको इसमें आपको देखने की ज़रूरत है कि इसकी जो मेन डिग्री है वो बायो रिफाइनरी इंजीनियरिंग की ही आपको मिलेगी। अब इस प्रोग्राम के अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको देख लेते हैं। इसमें आपके पास केमिस्ट्स, बायोकेमिस्ट्स और केमिकल इंजीनियर्स या बायोलॉजी रिलेटेड फील्ड्स के लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि प्रोग्राम का नाम है बायो रिफाइनरी इंजीनियरिंग, तो वहाँ से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि प्योर केमिकल इंजीनियरिंग जो है वो शायद ना चल पाए, तो आप केमिकल इंजीनियर्स को बायोकेमिकल इंजीनियरिंग का टच देना है। उस पर मैं पिछली जो स्लाइड्स हैं उन पर बात कर चुका हूँ कि आपने कैसे वो टच अपने उसमें लाना है।
बायोकेमिस्ट और केमिस्ट को थोड़ा सा इंजीनियरिंग टच देना है, तो ये भी मैं इस पर भी पिछली जो है सेक्शन में बात कर चुका हूँ, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम के ऑब्जेक्टिव के साथ अलाइन हो जाए। इनका सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि उन्होंने उसको मल्टीपल फैक्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है कि आपके इंस्टीट्यूट की जो रैंकिंग है उसके पांच नंबर है या 5% वेटेज है, आपका जो एकेडमिक रिकॉर्ड है प्रीवियस स्टडीज का उसका 40% वेटेज है, जो साइंटिफिक बैकग्राउंड है वो 20% है। अब ये साइंटिफिक बैकग्राउंड में जो मैं पहले बात कर रहा था कि केमिकल इंजीनियर्स को बायोकेमिकल इंजीनियरिंग के तौर पे अपने आप को पोज करना है, प्रिटेंड करना है, और केमिस्ट्स और बायोकेमिस्ट्स को सॉर्ट ऑफ इंजीनियर टच में अपने आप को पोज करना है, ताकि वो अपने आप को अलाइन कर सके विद द प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स। आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस क्या है, बायोकेमिकल टाइप इंडस्ट्रीज में आपका कोई काम है, लैब में कोई काम है, आपकी कोई रिसर्च है, कोई पेपर्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, सब कुछ यहाँ आएगा। मोटिवेशन लेटर आपका 10% है, रिकमेंडेशन लेटर 10% है, और अगर आपके पास कोई अवार्ड्स हैं या ग्रांट्स आपने विन किए हैं तो उनका जो है वो आपके पास 10% वेटेज है। तो इस क्राइटेरिया के ऊपर आपको एवेल्युएट किया जाएगा। और लास्ट थिंग लैंग्वेज है, उसमें यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट जो है दैट वुड बी एनफ, कि अगर आप उस आप यूनिवर्सिटी का ही एक लेटर उन्हें दे देते हैं कि मेरा जो बैक यानी अंडरग्रेड स्टडीज है वो इंग्लिश में है, तो उस पे जो है वो आपको लैंग्वेज का जो वेवियर है वो मिल जाएगा। अब इन तो तीन प्रोग्राम्स पे बात करने के बाद मैं फिर आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये तीन वो प्रोग्राम्स हैं जो मेरी नज़र में मोस्ट सूटेबल है फॉर केमिकल इंजीनियर्स। नैनो केमिकल इंजीनियरिंग को छोड़ के बाकी दो में बायोकेमिस्ट, बायोटेक्नोलॉजिस्ट और केमिकल इंजीनियर्स विल कम्पीट ईच अदर। तो मैंने कोशिश की है कि आपके सामने ये पॉइंट ऑफ व्यू रख सकूं कि किस तरह से आप एक सक्सेसफुल कैंडिडेट के तौर पे अपीयर होंगे, एंड यू नीड टू पोज योरसेल्फ फ्रॉम केमिकल इंजीनियरिंग टू बायोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड फ्रॉम केमिस्ट बायोकेमिस्ट टू लिटिल बिट आप प्रोफेशनल इंजीनियर। तो इन चीज़ों को जहन में रखें। लेकिन इन तीन प्रोग्राम्स के अलावा भी केमिकल इंजीनियर्स के लिए भी और बायोकेमिस्ट बायोटेक्नोलॉजिस्ट के लिए और भी प्रोग्राम अवेलेबल हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप केमिस्ट्री प्रोग्राम्स की जो मेरी वीडियो है उसको भी देखिएगा, और उसके बाद जो नैनो टेक्नोलॉजी फील्ड के ऊपर एक वीडियो आएगी और इन्वायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग के ऊपर जो वीडियो आएगी उसको भी देखिएगा। आपको वहाँ से भी कुछ प्रोग्राम्स के बारे में क्लूज मिलेंगे जहाँ पे केमिकल इंजीनियर्स जो हैं वो बेसिकली उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारी मेरी कोशिश ये है कि जो हमारे बेस्ट कैंडिडेट्स हैं वो इन प्रोग्राम्स में जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह इस साल भी 2020 में भी पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पे है जिनके सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं वो एरास्मस मेंडस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हुए। इस सिलसिले में स्कॉलरशिप नेटवर्क और एरास्मस मेंडस एसोसिएशन पाकिस्तान बहुत अच्छा काम कर रही है। ये भी उसी की एक कंटिन्यूएशन है कि आपको हेल्प आउट किया जाए कि हाउ यू कैन बी एलिजिबल फॉर दीज प्रोग्राम्स। थैंक यू वेरी मच।